तत्कालीन थानाध्यक्ष कलाम सुनील शर्मा को दोषी पाया गया। और क्यों पाया गया दोषी, जो करे गए निलंबित। खबर दिखाएंगे बात को, लेकिन पहले हम दिखाते कोरोना से एक मौत कल हो गई थी, जिसकी अंत्येष्टि आज हुई। बाबूराम 64 वर्ष के पुत्र सालीग्राम, जो के रहने वाले ग्राम नवादा पुआया के रहने वाले हैं, लेकिन 15 अगस्त को एडमिट हुए थे, जहां पर उनकी बीते दिन मौत हो गई। और मौत होने के बाद परिवार वालों को सूचना दी गई और इसी बीच स्वर्गधाम में आज अंत्येष्टि की गई। और पुलिस अधीक्षक एस आनंद का बड़ा एक्शन, तत्कालीन कलान के थाना अध्यक्ष सुनील शर्मा को किया गया निलंबित। क्यों? क्योंकि महिला ने लगाया था आरोप यौन शोषण का, जिसकी जांच करी एसपी देहात अपर्णक गौतम ने और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने किया फैसला, दोष के आधार पर कर दिया निलंबित। आइए हम आपको विस्तार से सुनवाते। कल थानाध्यक्ष, तत्कालीन थानाध्यक्ष कलान सुनील शर्मा के विरुद्ध कुछ कतिपय यौन शोषण से संबंधित आरोप लगाए गए थे एक सीमावर्ती जनपद की महिला के द्वारा। इस आरोप की पुष्टि के लिए इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अपर्णा गौतम को दिया गया था और उनके द्वारा प्रथम दृष्टया इसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष कलाम सुनील शर्मा को दोषी पाया गया और उस आधार पर उनके द्वारा एक अंतरिम आख्या दी गई, जिसका संज्ञान लेते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में वो थानाध्यक्ष बंडा के पद पर नियुक्त थे और उनको निलंबित करते हुए उनकी आमद पुलिस लाइन में करा ली गई है। विस्तृत जांच की जा रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई अग्रिम की जाएगी।